जय श्री राम। मित्रों, धन की कामना किसे नहीं होती? सबको होती है ना, किंतु धन प्राप्ति के उपाय नहीं मालूम होने से प्रत्येक व्यक्ति दुखी रहता है। अतः हम आपको आज धन प्राप्ति के उपाय, ठोस उपाय 9 प्रकार के हैं जो आपको बताते हैं, जिसके जिन उपायों को करने से हमारा जीवन धन संपत्ति सब प्राप्त करने लगता है। आपका जीवन इन उपायों को करने से सुख समृद्धि आनंद से भर जाएगा। माँ लक्ष्मी आप पर सदा सर्वदा प्रसन्न रहेगी। तो यह है उपाय धन प्राप्ति के कि आपको प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठना और उठ करके सर्वप्रथम अपने हाथों के दर्शन करें और बोले, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। हमारे हाथों के आगे कराग्रे वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी निवास करें, और कर मध्ये सरस्वती, माँ मध्य में माँ सरस्वती निवास करें, और कर मूले तो गोविंदम, और कर के मूल भाग में भगवान गोविंद का निवास हो। इसके बाद अपने माता पिता गुरु जो हमारे पूज्य हैं उनके आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर पंचदेव, भगवान गणपति है, भगवान विष्णु है, भगवान शिव है, माँ दुर्गा है, और भगवान सूर्य का स्मरण कर सके तो नवग्रह के भी स्मरण करें। ब्रह्मा मुराद स्थिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतोगदस्य गुरुश्च शुक्रश्च निराहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। इस प्रातःकाल में स्नान करने के बाद, शौचादि से नियुक्त होने के बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, प्रणाम करें, उनके 12 नामों का स्मरण करके प्रत्येक नाम लेकर के उन्हें अभिवादन करें, प्रणाम करें। नित्य भगवान सूर्य नारायण के नमस्कार करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप, हमारे जन्म जन्मांतर की दरिद्रता सब नष्ट हो जाती है। अर्घ्य चढ़ाएं, अर्घ्य देते समय जल में अष्टगंध अक्षत वगैरह डाल करके और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, और अर्घ्य देते समय बोलें, ऐं सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्यम माम भक्त्या ग्रहण अर्घ्यम दिवा करो। इस पर और जिससे क्या होगा कि आपके सारे कार्य संपन्न होने लगेंगे, धन संपत्ति वैभव और सुख शांति समृद्धि आरोग्यता कुशाग्र बुद्धि आदि सब से आप संपन्न हो जाएंगे। माँ दुर्गा के 108 नाम हैं जिसे दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम कहा गया है। इनका पाठ करने से अद्वितीय प्रभाव होता है। व्यक्ति इसी लोक में नाना प्रकार के वस्तुएं प्राप्त करता है। यहाँ तक कहा गया कि उसके लिए संसार में कोई असाध्य नहीं, सब चीज़ प्राप्त हो सकती है। माँ के ये 108 नाम जो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम से जाना जाता है, इसी प्रकार से एक एक कनकधारा स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र का भी प्रभाव इतना है कि आदि शंकराचार्य ने स्वर्ण की वर्षा करवा दी थी, और नहीं तो श्री सूक्त का पाठ। इनमें से तीनों में से कोई एक का पाठ करें, अथवा गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, पर कम से कम 3 बार या 5 बार अवश्य करें। माँ तुलसी के रोपा जो होता है, तुलसी और पीपल, इनके पेड़ में जल डालें, उनकी पूजा करें, दीपक लगाएं, ये नित्य करना है तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। अपनी क्षमता से के अनुसार दान करें, क्योंकि बंधुओं में दान जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट है, यही हमें शास्त्रों गुणा प्राप्त होता है। जिस प्रकार से एक किसान बीज बोता है और उसका अनंत गुणा उसको पुनः प्राप्त होता है, इसी प्रकार से यह धन
का बीज बोना है, इसे व्यर्थ नहीं समझो, यह आपको अनंत गुना प्राप्त होता है। इसलिए प्रतिदिन, हम शास्त्रों में तो यह बताया कि प्रतिदिन दान करें, जो भी आप व्यवसाय करें उसमें प्रभु को भी पार्टनर बना लें, 10% 20% जो चाहें, और वह सांवरिया सेठ के मंदिर में वहाँ भिजवा दें। इस प्रकार से आपको अनंत गुना फायदा होगा। प्रातःकाल उठ करके यह श्लोक बोले, वाराणस्यामुत्तरे भागे सुमंतु नाम वैद्यजः तस्य स्मरण मात्रेण निर्धनो धनवान भय। वाराणस्याम यानी वाराणसी में उत्तर भाग में सुमंतु नाम वैद्यजः, सुमंत नाम का एक ब्राह्मण रहते थे, उनका अभी भी मंदिर है। तस्य स्मरण मात्रेण, उनका स्मरण मात्र से जो निर्धन है वो भी धनवान हो जाता है। इसलिए इस श्लोक का भी प्रातःकाल स्मरण करें। इस प्रकार से ये 9 आपको उपाय बताए हैं, इनका करेंगे तो आपके पास किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, धन की कमी नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। पर सावधान, कभी अन्याय या चोरी से धन प्राप्त न करें, क्योंकि यह धन हमारे पास चिरस्थायी नहीं रहता। आज इसे आप करके देखें, आपको निश्चित धन की कमी नहीं रहेगी, संपन्न रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।